कई बार जिंदगी में हमें ऐसा महसूस होता है कि वक्त का पहिया बहुत तेजी से घूम रहा है, वक्त हमारे हाथों से फिसलता जा रहा है। ऐसा कई बार महसूस होता है हमें। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, और जब करने लगते हैं तो वक्त आगे निकल जाता है। हम सबकी जिंदगी में बहुत पड़ाव आते हैं, सभी की जिंदगी में मोर और लेस वही पड़ाव है, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से नौकरी, नौकरी से शादी, शादी के बाद बच्चे, फिर बच्चों की पढ़ाई, फिर बच्चों का कैरियर, फिर बूढ़े माँ बाप की सेवा। ये सब पड़ाव सबकी जिंदगी में आते ही हैं, तो क्यों ना इन पड़ावों को एक एंजॉय किया जाए। जिंदगी में इतनी कश्मकश क्यों, इतनी आपाधापी क्यों, इतनी रैट रेस क्यों? जिंदगी कोई इमरजेंसी नहीं है। जिंदगी ईश्वर का दिया हुआ वो सुंदर तोहफा है जो हमें एंजॉय करना चाहिए। जी हाँ, यही भाव है मेरी आज की कविता के, जिसका शीर्षक है जिंदगी जरा आहिस्ता चल। ये गुलजार साहब की लिखी हुई है, ये मेरी कविता नहीं है। जिंदगी जरा आहिस्ता चल। आहिस्ता चल जिंदगी, कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए, रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है। कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ काम अभी और जरूरी हैं। ख्वाहिशें जो घुट गई दिल में, उनको दफनाना बाकी है। कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए, उन टूटे छूटे रिश्तों के जख्मों को मिटाना बाकी है। तू आगे चल, मैं आता हूं, क्या छोड़ तुझे जी पाऊंगा। इन सांसों पे हक है जिनका, उनको समझाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, कई कर्ज चुकाना बाकी है। थैंक यू। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे राकेश जी। एक्सीलेंट, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा। आई ऑलवेज से राकेश जी जो पोएट्री जब सुनाते हैं बहुत अच्छा लगता है। ही हैज गॉट ए ब्यूटीफुल वॉइस और नरेशन इनका बहुत अच्छा है। तो बहुत, लास्ट टाइम इन्होंने जब बुल्ले शाह की सुनाई थी तो आई रियली गॉट इम्प्रेस, तो इसलिए आज मैं बुल्ले शाह की सुनाने वाला हूँ पोएट्री। थैंक यू राजेश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सो गुड सर। थैंक यू राकेश जी, बहुत बढ़िया, प्लीज कंटिन्यू। उषा जी को बोल रहे हैं अरे कोई बात नहीं यस उषा जी आप बोल रहे हैं आई रियली लाइक राकेश सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स एंड द वे ही इज थिंकिंग इन अ विथ ऑफ द आइडियाज सो दैट योर पर्टिकुलर सिलेक्शन ऑफ दिस पोएम आल्सो लाइक स्पीक्स वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स अबाउट योर व्यूज अबाउट लाइफ थैंक यू। रियल लाइफ में हम बहुत भागते हैं, बट इस तरीके के जो सेशंस होते हैं, खासकर जब कोई बोलता है कि ठहर जाओ, सो यू एक्चुअली स्टॉप फॉर अ मोमेंट, यू लुक अराउंड एंड यू रियलाइज हाँ इतना तेज क्यों भाग रहे हैं, वी कैन एंजॉय, वी कैन स्टॉप। सो थैंक यू फॉर डूइंग दिस। आई थिंक दैट इज द आइडिया वी आर डूइंग ऑल दीज सेशंस, बिकॉज यू नो अपार्ट फ्रॉम बीइंग प्रोफेशनल, अपार्ट फ्रॉम डूइंग आवर डेली वर्क, इट्स As for our soul, that hum bhi hain kuch, we also deserve a time for appreciation, time for entertainment, time for real and original thinking, or jo bhi ek genuineness ka. So thank you so much, sir. It was a very beautiful selection that you made, and yes, brought us back. I totally agree with Jyoti, especially COVID ka environment mein
has given people more and more realization of what is actually needed and what how much how far we should go doing what we are doing. So that has kind of given us time to thoda thum jao, thoda, you know, try to enjoy moments and all. So this was well apt poem abhi ke atmosphere ke hisab se and a good realization for people. It makes a difference. It does make ये टिपिकली रियलाइज होता है आफ्टर यूर लाइक 60-70 इयर्स ओल्ड और लाइक यू नो 80 इयर्स ओल्ड उसके बाद रियलाइज होता है कि वी हैव मिस्ड समथिंग यू नो कुछ मिस कर दिया वो जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाए दैट्स व्हाई समटाइम्स आई से कि वीकेंड्स में देयर इज सम टाइम वेयर आई वुड लाइक टू फीड माय सोल आई विल फीड माय बॉडी द होल वीक बट वीकेंड में कुछ घंटे आई एम गोइंग टू फीड माय सोल आप लोग बिलीव नहीं करोगे मैंने सर को मैसेज किया था कि सर आई हैव अनदर सेशन आई लीव एट 8:30 आई थिंक अब 9 बजने वाले हैं मैंने उसको मैसेज कर दिया है कि चक इट आई एम गोइंग टू एंजॉय सो दैट्स द पावर ऑफ रिलेशनशिप्स एंड हैविंग गुड टाइम बिकॉज आई रेड इकिगाई एंड दैट इज द फिलॉसफी ऑफ देयर लाइफ and that's how they live a healthy life that's why people are after their lives like after their the way living style how they survive how they live so beautifully and this is one of the reasons because the community the togetherness that we share with each other that definitely helps a lot and I think these sessions are helping us to grow together to I mean our soul to grow together like aisa kuch acha to ho raha hai I don't know how to put it in words but theek hai it's a good thing You well said it. अच्छा हो रहा है। अच्छा बिमल जी बोलना चाह रहे थे कुछ बिमल जी हाँ कहते हैं राकेश जी आप तो दिल तक पहुंच जाते हो मेरे दिल की बात तो आपने सुनी और गुलजार की पोएट्री चुनी और गॉड ने आपको नरेशन का जो गिफ्ट दिया है yes. उसमें उसने चार चांद लग गए थैंक यू फॉर व्हाट यू आर थैंक यू बिमल जी ओके okay, कविता राकेश जी मैं एक और चैनल है वफास पोट्री करके उनके लिए ना फेमस जितने भी शायर हैं जैसे ये फराज हैं या प्रवीण हैं या फिर गुलजार हैं इनके इनके जो राइटिंग्स हैं उनको वहां पे करती हूँ मैंने इसीलिए जब आप बोले मुझे सुनने में इतना अच्छा लग रहा था एक आपका नरेशन ऊपर से गुलजार साहब की राइटिंग और उससे पहले जो आपने इंट्रोडक्शन दिया इट्स एक्चुअली टच द कोर मैंने तुरंत से जाके टाइटल उसका लिखा मैं वही है कि वो जनरली अपने देते हैं राइटअप कि तुम्हें यही पढ़ना है बट दिस टाइम आई एम प्लानिंग मैं उसको ये दूंगी कि मुझे भी ये करना है आई वांट टू रिसाइट दिस भाई मैं कुछ और सोच रहा था कविता आई वाज थिंकिंग समथिंग एल्स मुझे लग रहा था यू आर गोइंग टू रिकमेंड राकेश जी नेम टू देम चलिए ये भी ठीक हो जाएगा राजेश मेरे पेट पे लात पड़वा रहे हो वो मुझे निकाल देंगे वो बोलेंगे हमें एक मेल आया वॉइस ओवर ही चाहिए था दैट्स व्हाट वी वर लुकिंग तुम चलो ओके रामनाथ जी आपको कैसा लगा राकेश जी की पोएट्री ये गुलजार साहब तो बहुत ही आई लव हिम ही इज वन ऑफ फेवरेट पोएट्स और राकेश जी ने जिस तरह से इस पोएम को पढ़ा He exactly replicated Gulzar Sahab, the way he renders it. So I don't know if you, any of you have heard Gulzar Sahab. Yes, we have heard. I think you will agree that he has rendered it just the way that Gulzar Sahab would. And it also reminded me of one of Gulzar Sahab's movies, Mausam. Yes. He talks about Dil Dhoondta Hai Phir. Kya baat, kya baat. Song and that's just reminded me of that. Very nice, very well rendered, Rakesh. Very nice. Thank you, Ramnath ji. Thank you.